हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आज हम ओप्पो का फोन अनलॉक करने वाले हैं। अगर आपका ओप्पो में पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक लग गया है और आप अपने फोन का पासवर्ड पिन पैटर्न भूल गए हो, आपसे फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है और आप परेशान हो गए हो कि हमारे फोन में डॉक्यूमेंट्स भी है, फाइल है, इम्पोर्टेंट इमेज है, वीडियो है जो कि आपको डिलीट नहीं करना है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। अगर आपके पास पैसा है या नहीं है, इस वीडियो में आपसे ना पैसा लिया जाएगा और ना ही आपका डाटा डिलीट होगा। बिना डाटा डिलीट किए अपने ओप्पो हैंडसेट को आज अनलॉक करके दिखाऊंगा आपको, वो भी लाइव प्रूफ। और ये मेथड आप अपने फोन में यूज करोगे तो आपका भी ओप्पो का हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा, ओप्पो का कोई भी मॉडल क्यों ना हो। फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गलती करते हैं और एक गलती और कर देते हैं कि जो कि हम अपना फोन का पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक जो होता है हम लोग भूल जाते हैं और हम अपने फोन में डायल करते हैं रॉन्ग पासवर्ड। इस शायद एक पासवर्ड भी याद हो जाए तो हमारा फोन अनलॉक हो जाए, बट हमारा फोन अनलॉक नहीं होता है और हमारा फोन कुछ इस तरह से फोन लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने के बाद 30 सेकंड के बाद परमानेंट हमारा फोन लॉक हो गया। देख सकते हो ना, फिंगरप्रिंट ना फेस लॉक कोई भी काम नहीं करेगा और आपका फोन लॉक हो गया। ये 30 सेकंड के बाद ही आपका पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक जो है वो शो होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 8 सेकंड बचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने हैंडसेट को कैसे अनलॉक करेंगे, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हो हमारा फिर 30 सेकंड के बाद फिर हमारा वही पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक ऑन हो गया, यानी शो होने लगा। तो फ्रेंड फिर से हम रॉन्ग पासवर्ड यूज करेंगे तो फिर से हमारा फोन इस बार 1 मिनट का ऑफ हो जाएगा। तो भाई बार बार ये काम आप नहीं कीजिएगा। तो कैसे करना है अनलॉक, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो आज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और इस वीडियो पे लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपका ओप्पो का हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा, ओप्पो का कोई भी मॉडल क्यों ना हो। कैसे करेंगे, पहले अपने फ़ोन में से सिम कार्ड निकाल लेना, नहीं तो ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर लेना। इसके बाद आप लॉक स्क्रीन को ओपन करोगे, यहाँ पे नीचे देखोगे तो इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखेगा, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कीजिएगा। इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोड दिया जाएगा, कोड हम अपने फ़ोन में डायल कर लेते हैं और आप इस फ़ोन में से देख के कॉपी कर लीजिए अपने फ़ोन में। ये कोड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इस कोड को आप लोग अपने फ़ोन में कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे इस कोड को एक्टिवेट कीजिएगा सर्विस सेंटर से। कैसे करेंगे, कॉल वाला ऑप्शन है, कॉल पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे, ओके कर देंगे, इस कोड को इरेज कर लेंगे। बस इतना काम करने के बाद सेकेंड कोड अप्लाई करेंगे, *899#। ये कोड को डायल करने के बाद मैनुअल टेस्ट को ओपन करेंगे, सेकेंड नंबर डिवाइस पे आएंगे, जायरोस्कोप को ओपन करके ग्राफ को क्लिक करके छोड़ देंगे, मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। 2 या 3 सेकंड कंप्लीट हो जाए इसे बैक कर लेंगे, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा नॉइज डाटा का ऑप्शन निकालना है, बस XYZ नॉइज डाटा 516 108 167, बस यहाँ पे नॉइज डाटा पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे सारा का सारा डिवाइस आ जाएगा। इसके बाद टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, होम बटन क्लिक कीजिएगा, आपका ओप्पो का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।